नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चार यार। चार ऐसे यार जो बचपन से ही एक सोसाइटी में रहते हैं। इसमें एक लड़की है और तीन लड़के हैं। दोस्तों ये नेबर्स हैं आपस में और इनके मम्मी पापा सब वर्किंग हैं और इन चारों का जो समय है अक्सर स्कूल से आने के बाद बहुत अच्छा एक साथ बीतता है। इनका स्कूल भी सेम है और ऑलमोस्ट क्लासेस भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके सेक्शंस अलग अलग हैं। चारों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और किसी न किसी एरिया में इनकी एक्सपर्टीज है। बाकी बच्चों की तरह ये पार्क में जाकर बैठते जरूर हैं शाम को, लेकिन खेलते नहीं है। इनकी बातें यही होती है कि ये किससे इंस्पायर हैं, किसने देश के लिए बहुत अच्छा किया और कौन नेता बहुत अच्छा था, कौन महात्मा ज्ञानी बहुत अच्छा था, हर तरीके के ज्ञान की बातें। और इसके लिए इनको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था या इन्हें कोई सिखा नहीं रहा था कि आप इस तरह की बातें करो तो अच्छा होगा। बस ये ऐसे ही थे और शायद यही रीजन था कि ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्तों चारों ने एक चीज का प्रण किया हुआ था कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि वो जो देश की भलाई के लिए होगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरीके से एजुकेट होंगे, अच्छा क्वालिफिकेशन लेंगे तो हर चीज हमारे लिए इजी हो जाएगी। उन्हें इस चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान था, इस चीज का बहुत अच्छे से पता था कि पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ा जो है हथियार होता है और इससे आप बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं दोस्तों और ट्वेल्थ में आते आते इस चीज से भी बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि उन्हें आईआईटी अटेम्प्ट देना है और निकल पाए तो अच्छा है, नहीं तो हम चारों जो भी प्रोफेशन में जाएंगे उसमें अपना बेस्ट देंगे। लकीली दोस्तों ज्यादा एफर्ट करने नहीं पड़ते और चारों के चारों आईआईटी में निकल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक होता है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से चारों के कॉलेजेस अलग अलग। खैर आईआईटी की पढ़ाई बहुत सक्सेसफुली पूरी करने के बाद, अपना अपना एमबीए करने के बाद ये चारों के चारों जॉब में लग जाते हैं और अलग अलग जगहों में ट्रांसफर हो जाते हैं। हमेशा इस चीज को ये प्रिफर करते हैं कि इन्हें अपने कंट्री से बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि ये जो एम बचपन से बना के बैठे हैं कि हमने देश के लिए कुछ करना है, उसके लिए ये जानते हैं कि इन्हें अपने देश से रूबरू होना पड़ेगा, अपने देश को अच्छे से जानना होगा। दोस्तों जैसे ही इन्हें छुट्टी मिलती है और जब भी कोई प्लान करना होता है, ये कोशिश करते हैं कि आपस में मिलके प्लानिंग करें। अभी चारों अपने अकेले हैं, शादी नहीं हुई है तो घूमने का प्लान करते हैं और फैमिली को इनसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हर जगह अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चलते हैं। ये जब भी घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों तो कोई बड़ी टूरिस्ट प्लेस को चुनने के बजाय ये अक्सर किसी रिमोट विलेज को चुनते हैं। अब ये क्यों करते हैं ये लोग, इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। ये धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का इतना सारा साथ होने के बाद भी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स योजनाएं होने के बाद भी क्यों हमारे देश में गरीबी है, क्यों दो तरीके के डिविजन्स हैं हमारे यहाँ, एक तो बहुत ही एलीट क्लास बहुत पैसे वाले लोग और एक बिल्कुल गरीब जो अभी भी भीख मांग रहे हैं, जो अभी भी पैसा ना होने से, सूखा पड़ जाने से आत्महत्याएं कर रहे हैं और जिन्हें मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है, पैसों की मार भी झेलनी पड़ रही है। अच्छा खासा ये लोग सर्वे करते हैं दोस्तों और वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड प्लेस को डिस्कवर करते हैं। इन्हें पता चलता है कि सेंट्रल इंडिया में एक ऐसा गाँव है जहाँ सूखा भी पड़ता है, जहाँ फ्लड भी आता है और जहां हर तरीके की प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में हो सकती है वो अवेलेबल है। वहां की औरतें बीमार हैं, वहां के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहां इलिटरेसी भरी हुई है, यानी कि कोई भी वहां पढ़ा लिखा नहीं है। कैसे होगा, इतनी गरीबी है कि हर कोई फैमिली मेंबर जो है कुछ ना कुछ काम करना चाहता है और पॉपुलेशन की तो हद है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि परिवार में जितने लोग होंगे उतने लोग कमाएंगे तो एटलीस्ट हम भूखे नहीं सोएंगे, हमें खाना मिलता रहेगा। बहुत दुखी होते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें कुछ करना है, उनका अब उनसे रुका नहीं जा रहा है और उनको ये चीज पता रहती है कि जॉब में रहते हुए हम इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे।
चारों की चारों डिसीजन लेते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि हम जो भी करेंगे बस हम पे विश्वास करना, हम अच्छा ही करेंगे, हम अपनी अपनी नौकरी छोड़ लें। चारों अपनी नौकरी छोड़ते हैं दोस्तों और एक पूरा प्लान तैयार होता है। बहुत ही मजेदार प्लान है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये सर्वे में ये भी पता लगाते हैं कि एक चीज बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में, चाहे एक वो अमीर से अमीर बंदा हो चाहे एक बिल्कुल गरीब बंदा हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, एक कॉमन चीज पे खुद से ज्यादा विश्वास करता है और वो क्या है? भगवान अल्लाह। इस चीज को हम लोग पकड़ लेते हैं, है तो इंटेलिजेंट, पकड़ के अब ये सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। दोस्तों ये उस गांव में जाते हैं और उस गांव के लोगों को अपने साथ मिलाकर उनसे बातें करते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी उनसे छुपाते हैं। ये वहां जाते हैं, एक पूरा एस्ट्रोलॉजी का डिप्लोमा करता है एक जो दोस्त है और पूरा अच्छे से ज्ञान लेता है, मतलब इसमें वो कोई मजाक नहीं करना चाहता है, वो एक पंडित और एस्ट्रोलॉजर बन के जाता है जो कि उसको पता है गांव के लोगों को कैसे ट्रीट करना है। वो बोलता है कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे उपाय दे सकता हूँ जिससे आपका आगे का समय अच्छा होगा, इस गाँव का भला होगा। तो लोग बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो लड़की होती है वो वहां जाती है एज टीचर और वो ये कहती है कि मैं यहाँ के बच्चों को और औरतों को खासकर उनको पढ़ाई कराऊंगी, लेकिन विदाउट एनी फीस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। शर्त ये है कि सबको आना पड़ेगा, हर घर के हर मेंबर को पढ़ने के लिए आना पड़ेगा और पढ़ने का जो समय होगा वो रात होगा क्योंकि सुबह के लिए हमने कुछ और सोचा है। तीसरा बंदा होता है इवेंट मैनेजर। दोस्तों वो ये गांव में स्प्रेड करता है कि हम एक तरीके का यहाँ मंदिर बनाने जा रहे हैं और उस मंदिर में क्या प्लानिंग है, हमको पैसा नहीं खर्च करना है, हमको अवेलेबल चीजों से वो मंदिर बनाना है, कोई पेड़ नहीं तोड़ना है, किसी भी तरीके का कोई बर्बादी नहीं करनी, गांव की किसी भी चीज को हमने टच नहीं करना है। और इस तरह से वो कुछ गाँव के लोगों को अपने साथ मिलाता है और एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल हल्का फुल्का सिंपल सा मंदिर। और चौथे को रखा जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, किसी भी तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ जाए और कुछ भी हो, क्योंकि उसको लॉ का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान है तो उसको इन सब चीजों के लिए रखा जाता है और वो बाकियों का सबका साथ देता है। दोस्तों मंदिर बनके स्टार्ट होता है और अब प्लानिंग की जाती है कि इस मंदिर को शुरुआत कैसे की जाए। गाँव वालों को तो पहले दिन से ही उसमें एंट्री होना शुरू हो जाती है। विचित्र बात यह होती है कि उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती। दोस्तों जब आप उस मंदिर में एंटर करेंगे तो उसकी कुछ शर्तें होती है। सबसे पहले आपने नहाना है और जैसे आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सुंदर सा वस्त्र दिए जाते हैं जो कि पूजा के वस्त्र माने जाते हैं। आपको बहुत अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, आपको वो कपड़े पहनने हैं। कपड़े पहनने के बाद आपको एक बहुत बड़े से हॉल में जाना है और उस हॉल में आपको जमीन में बैठना है, केले के पत्तों पर आपको भोजन परोसा जाएगा क्योंकि बिना भोजन किए पूजा नहीं हो सकती। इस चीज पे ये बिलीव करते हैं और गांव वालों को भी बिलीव करवाते हैं कि खाओ, अच्छे से खाना बहुत जरूरी है, आप पौष्टिक रहोगे हेल्दी रहोगे तो आगे सब कुछ आपका भगवान भला करेगा, इस तरीके से उन्हें बोला जाता है। और उस भोजन में दोस्तों ये लोग ये कोशिश करते हैं कि सब पौष्टिक चीजें डाल दें, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी होता है, उसमें फ्रूट्स होते हैं, उसमें छाछ दूध दही छोटे छोटे पोर्शंस में होता है, उसमें प्रॉपर खाना होता है जिसको खाके कोई भी इंसान एकदम से एनर्जी लेके आ सकता है अपनी बॉडी में। वो खाना खाने के बाद आपको मंदिर का दर्शन अलाउ होगा। मंदिर के दर्शन, जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो आपको सामने एक दीवार दिखाई देगी दोस्तों और उसमें कुछ अच्छी ज्ञान की बातें लिखी होती है, लेकिन गाँव वालों को तो वो चीज समझ नहीं आती है तो इसमें क्यों, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए वहां पे एक टेप लगा दिया जाता है, एक रिकॉर्डिंग लगा दी जाती है और उसमें बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में, ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होती है, बहुत सिंपल भाषा में उन्हें बताया जा रहा है कि लाइफ में कैसे अच्छा। और आप हैरान होंगे दोस्तों, उसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि ये मंत्र पढ़ो वो मंत्र पढ़ो ऐसी पूजा करो ऐसा उपवास करो, उसमें बताया जाता है लाइफ की अच्छी अच्छी बातें, साफ रहो भगवान खुश होंगे, मेहनत करो भगवान खुश होंगे, पढ़ाई लिखाई करो, भगवानों ने भी वेद पढ़ा है, भगवान भी पढ़े लिखे होते थे, अगर उनका भक्त पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उनकी कृपा आप पे कैसी होगी। बहुत अच्छे से अफेक्ट करती है गांव वालों को ये बातें दोस्तों। अब होता है
एलीट क्लास को कैसे इस मंदिर में लाया जाए, ये इनका एक बहुत बड़ा प्लान होता है, क्योंकि यही वो लोग होंगे दोस्तों जिनकी वजह से अब इस गांव में सब कुछ बदलने वाला है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से एडिटिंग करवाई जाती है और इस मंदिर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये मंदिर मन्नतों वाला मंदिर है, यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता है और यहाँ एक बहुत ही सिद्ध बाबा बैठते हैं जिन्होंने हिमालय में बहुत साल तपस्या की है और वो आपको देखते ही आपके बारे में सब बता देते हैं और आपके दुखों का निवारण करते हैं और आपके लाइफ में उसके बाद सब कुछ अच्छा होता है। दोस्तों जितना ज्यादा पैसा आपके पास उतनी ज्यादा मेंटल पीस की कमी, उतनी प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड और पागल हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को मार देना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है आपकी लाइफ में। तो ऐसे लोग जब ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग के थ्रू इस मंदिर के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो ऐसी भीड़ लगती है जिसकी कोई हद नहीं। और उस ऑनलाइन, इसमें एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है, इसकी एक अच्छी खासी फीस होती है क्योंकि इन्होंने देख रखा है कि ये कौन सी क्लास है और इनके लिए इतना पैसा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि इसके पीछे इंजीनियर्स का एम खराब नहीं है, गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस पैसे को बहुत अच्छा यूटिलाइज करने वाले हैं, इसलिए इन्हें कोई गिल्ट भी नहीं है। ये अच्छी खासी फीस रखते हैं, फीस ऑनलाइन ही देनी होगी तभी आपको मंदिर में एंट्री मिलेगी। और दान के अगर आप इच्छुक हैं तो उस दान में आपने कपड़े देने हैं, पैसे देने हैं, फ्रूट्स देना है, खाने का सामान देना है, किसी भी तरीके से किसी भी पंडित को दक्षिणा नहीं देनी है, ब्राइब नहीं करना है किसी को, और कोई भी गहना वहना या ऐसी चीजें वहां नहीं चढ़ाएगा, कोई मूर्ति नहीं चढ़ाएगा, कोई जेवर नहीं चढ़ाएगा, ये एक स्ट्रिक्ट रूल होता है। दोस्तों लोग आना शुरू करते हैं, इतने लोग आने लगते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अब शुरू होती है एम्प्लॉयमेंट, गांव की औरतों को औरतों वाली लाइन में एज गाइड खड़ा कर दिया जाता है, जो जिनको पूरी जानकारी मंदिर की लोगों को कैसे देना है, लाइन में लगे हुए थके हारे लोगों को कैसे एंटरटेन करना है, ये ट्रेनिंग औरतों को दी जाती है। और आदमियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, उस केस में आप कैसे उस भीड़ को संभालोगे, किसी भी हाल में स्टैम्पेड नहीं होना चाहिए, भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, सारा मैनेजमेंट के लिए अच्छे खासे 100-150 लोगों को जॉब मिल जाती है। और इस जॉब में पर पर्सन 500 रुपया आपको उसी वक्त शाम को पे किया जाता है। दोस्तों शुरू हो गई अर्निंग, और ये अर्निंग का पैसा निकालना बहुत इजी होता है क्योंकि जो आ रहे हैं एलीट क्लास सो कॉल्ड, वो अमीर लोग जो डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में, वो आते हैं और अच्छे से पैसे का दान करके जाते हैं। अंदर बैठे होते हैं सिद्ध बाबा जी जो हिमालय से आए हैं और भगवान से रोज माफी मांगते हैं कि भगवान मैं बहुत अच्छा सोच के ये सब कर रहा हूँ, मेरी मदद करना। और वो बैठाते हैं, उनकी फेस रीडिंग करते हैं क्योंकि वो कोर्स करके आया है एस्ट्रोलॉजी का और साइकोलॉजी का, सब पढ़ाई करके आया है, तो वो बहुत अच्छे से उनको रीड करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को रीड करता है और उन्हें आइडियाज देता है कि आगे लाइफ को कैसे ठीक करें और क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने जरूरी है। उन्हें हेल्दी टिप्स देता है, उन्हें अच्छा करने का टिप्स देता है और लास्ट में एक बात जरूर बोलता है दोस्तों कि बाहर जाओगे ना कोई भी नीडी दिखे तो उसकी मदद कर देना, फाइनेंशियल मदद कर देना, या उससे पूछ लेना उसे किस चीज की जरूरत है, देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। लेकिन इसके बदले ये उम्मीद मत रखना कि अब भगवान तुम्हारा भला करेंगे, अगर तुमने उम्मीद रखी तो गलत होगा, फिर वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आती है उन लोगों को ये बातें, और बिल्कुल जैसा सिद्ध बाबा पंडित जी बोलते हैं बिल्कुल बाहर जाके वो अमीर आदमी, वो पैसे वाला आदमी उसको फॉलो करता है, उसकी बातों को बहुत अच्छे से सुनता है। और इस तरीके से इनकी फंडिंग से, इनके दान से दोस्तों एक जगह बहुत अच्छा, बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे या बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक स्कूल तैयार हो जाता है। जो लड़की है उसने टीचिंग का सारा जिम्मा लिया हुआ है और शाम को 6 बजे जो होते हैं मंदिर के कपाट स्ट्रिक्टली बंद कर दिए जाते हैं, चाहे आप कितनी भी लंबी लाइन में खड़े हों।
और 6 बजे के बाद का जो दिनचर्या होती है वो होती है बढ़िया से चाय पीना, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना, और गांव में एक बहुत बढ़िया सा माहौल बना दिया जाता है जहाँ गांव की औरतें खाना बनाती है, गांव में कैसी लाइफस्टाइल होती है वो इन विजिटर्स को, जो अमीर लोग आए हुए हैं जिन्होंने कभी गाँव देखा ही नहीं है वो सब दिखाते हैं। और यहाँ भी एक फीस होती है, यहाँ भी आपको पे करना होता है खाने पीने के लिए, और इस तरीके से फिर एक अर्निंग गांव वालों के लिए शुरू हो जाती है, खेती बाड़ी अच्छी होने लगती है, पैसा आने लगता है। और 7:30 से 8 बजे के बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है, स्कूल के टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि दिन में हर फैमिली में मम्मी और पापा जो है वो मंदिरों के काम में बिजी होते हैं, उन्हें जॉब दी गई है तो वो अपने वो बाकी काम नहीं कर सकते, तो बच्चों को घर में रहना होता है और अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होता है, घर की क्लीनिंग, घर का हाइजीन, इन सब का ध्यान रखना होता है। और रात के टाइम पे ये बच्चे दिन में थोड़ा देर आराम करने के बाद रात में इनका स्कूल होता है, ये अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इनकी एजुकेशन बढ़ती है, और घर आके ऑफकोर्स जब कोई पढ़ाई लिखाई करने लगता है तो घर का माहौल भी बदलने लगता है, उसकी बातें बदलने लगती है, वो बातों बातों में ही बहुत सारा ज्ञान आपको घर में दे देता है। दोस्तों, 4 दोस्तों की समझदारी से, 4 दोस्तों के टाइमली एक्ट करने की वजह से अगर एक गाँव में इतना बदलाव आ सकता है, और बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना एक भी रुपया खर्च किए, सारा रुपया उन लोगों से लिया है जिनके पास बहुत ज्यादा है और उन लोगों को दिया है जिनके पास है ही नहीं, और सिर्फ पैसा नहीं दिया दोस्तों, एजुकेशन दी, हाँ उनको हाइजीन दिया, उनको हॉस्पिटल दिया, उनको स्कूल दिया, उन्हें सब कुछ दिया, और बेस किसको बनाया, भगवान को। हाँ दोस्तों, भगवान पर बिलीव कीजिए और अच्छा कीजिए, जो हम इस हर धर्म में अच्छी बातें सुनते हैं उसको हम नेगेटिव क्यों ले जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, तेरा धर्म खराब है, तेरे धर्म में ऐसा होता है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, नहीं दोस्तों, कोशिश करिए, अभी भी देर नहीं हुई है, हम अच्छा क्यों नहीं करते, मिलके कुछ सोचिए, अच्छा करिए, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह प्रिविलेज नहीं है, जिन्हें नहीं मिलता है खाना, कोशिश करिए ना, उनकी मदद करेंगे, हम अच्छे होंगे, हमारा देश अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, हमारे देश से बढ़िया कोई देश है ही नहीं, एक बार बस इस बात पे बिलीव करके देखिए। आज की कहानी बस इतनी ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ, नमस्कार।